पूरे जोश और उत्साह के साथ जब युवाओं की यहाँ पर सशक्त विधिवत उद्घाटन किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देशी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी राय। झारखंड विधानसभा में शनिवार को प्रथम झारखंड छात्र संसद 2021 का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। इसमें राज्यभर के सभी 24 जिलों से छात्र का चयन संसद में भाग लेने के लिए किया गया है। छात्रों को वैधायिक कार्यों की जानकारी के लिए प्रशिक्षण दिया गया। वहीं मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश और राज्य को सदन से दिशा दी जाती है, देश और राज्य के विकास के लिए यहां कानून बनाई जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि यह एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की गई है। आप सभी नौजवानों विधायी कार्यों को सीख कर आम जनता को भी विधायी कार्यों के बारे में जानकारी देंगे और राज्य को गढ़ने का काम करेंगे। तो छात्र संसद में भाग लेने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। आज हमारे झारखंड विधानसभा में छात्र संसद का एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी के ये पहल और एक सोच है कि विधायिका कार्य को हमारे नौजवान हम साथ करें और विधायिकी व्यवस्था या संसदीय प्रणाली जिसके माध्यम से देश और राज्य को दिशा मिलती है और उस वो चीज़ें कैसे काम करती हैं हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारे नौजवानों को मौजूदा हालात में इसकी जानकारी इसका समझ अत्यंत आवश्यक है क्योंकि विधायिका और संसदीय प्रणाली के द्वारा देश के आम जनों के लिए कायदे कानून बनाए जाते हैं, नीति निर्धारण की जाती है और देश और राज्यों को दिशा दी जाती है। और आज विधायिका और संसदीय प्रणाली हमारे नौजवानों जो आने वाले समय हमारे समाज का हमारे देश का जिम्मा उनके कंधों पर होना है तो देश के प्रति समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारियों का सही निर्वहन कर सके, एक मजबूत स्वास्थ्य समाज का निर्माण हो सके, देश में जो डेमोक्रेसी का जो दुनिया का जो एक भारत देश अपने आप में एक अलग स्थान रखता है जो हम अपने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान जहां हर वर्ग के लोगों को एक साथ चलने का, एक साथ उठने का, एक साथ बैठने का, एक साथ खाने का संदेश देता है और आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है। इस डेमोक्रेसी को हम लोग अक्षुण रख सकें और मजबूत कर सकें।